तो चलो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये दे रखा है पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 0 पे, -1 पे एंड 2 पे। तो 0 एंड -1 पे मैं निकाल देता हूँ, 2 का तुम लोग खुद निकाल लेना। तो चलो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, उसको पहले हम पी ऑफ एक्स के इक्वल रख लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि कल नोटेशन बता दिया था मैंने, क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है एक्स वेरिएबल में है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 5x -4x² एंड +3। अब हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, तो देखो एक्स इक्वल टू क्या है, 0, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। तो रिप्लेस कर देते हैं पी ऑफ 0 इक्वल टू 5, ये सारे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई की जगह हम ब्रैकेट रख रहे हैं, एंड माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट सेम चीज़ होता है, तो 4 इंटू अगेन 0 का स्क्वायर एंड +3। तो देखो पी ऑफ 0 इक्वल टू अब क्या मिल जाएगा हमें, 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड ये प्लस का क्या आ जाएगा, 3। तो फाइनल पी ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 3, ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। चलो सेकेंड भी मैं यहीं पे कर देता हूँ, था ये सॉल्यूशन था हमारा फर्स्ट, सॉल्यूशन 1। अब यहाँ सॉल्यूशन सेकेंड करते हैं, तो यहाँ भी अगेन पी ऑफ एक्स लेट कर लो, जो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू यही चीज़ें, 5x -4x² एंड +3, ठीक है। तो फाइनल ये पी ऑफ, अब हमें क्या कौन सा रखना है, सेकेंड वाला, तो एट एक्स इक्वल टू -1 है, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह -1 रख दो, तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर एंड +3। तो फाइनल देखो क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस माइनस -5 1 जो 5, एंड अभी ये माइनस है तो माइनस ही रखते हैं, एंड देखो माइनस का स्क्वायर बता चुका हूँ कि जब भी माइनस हो एंड उसकी पावर इवन नंबर हो तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 4 1 जो 4 हो जाएगा, एंड प्लस ये 3 है तो 3 इक्वल टू, तो माइनस माइनस प्लस -9, एंड ये हो जाएगा -9, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, -9 एंड +3, तो फाइनल क्या आ जाएगा, -6 आंसर। चलो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में कह रहा फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इन सब के लिए निकालने हैं पी ऑफ 0 भी निकालने, पी ऑफ 1 भी निकालने एंड पी ऑफ 2 भी निकालने। चलो तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, एक दो पार्ट में स्किप कर दूंगा, वो तुम लोग सॉल्व कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट में पी ऑफ 0 इक्वल टू ये दे रखा है हमें, पी ऑफ 0 चाहिए। तो देखो ये पी है, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का ही, पी है तो पी, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, यहाँ पे देखो हमें ये निकालना है पी ऑफ 0, तो वाई की जगह हम क्या रख दें ताकि ये क्या बन जाए, पी ऑफ 0। तो डेफिनेटली तुम क्या बोलोगे, सर 0 रख दे वाई की जगह, तो बस जहाँ जहाँ वाई है उसको रिप्लेस कर दो किससे, 0 से। देखो वाई की जगह हमने क्या रखा, 0, तो बन गया पी ऑफ 0, हमें यही तो निकालना था, इसलिए हम वाई की जगह क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो पी ऑफ 0 इक्वल है तो इक्वल, वाई की जगह 0 रख रहे हैं तो 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -0 एंड +1। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी वैल्यू पुट करना है ना, उसको ब्रैकेट में रखना, अपनी तरफ से हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो गलती होने के चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे। तो पी ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस ये 0 एंड +1, तो फाइनल क्या आ जाएगा, पी ऑफ 0 इक्वल टू 1, ये निकल गया एक फर्स्ट आंसर हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर से क्या बताया जाता है, इसके लिए ही, इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें अगेन पी ऑफ 1 भी निकालने हैं, तो पी ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं। अब अगेन चलो देखो पी ऑफ वाई जो लिखा हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, पी ऑफ वाई क्या है, y² -y एंड +1, तो पी ऑफ 1 निकालना है। तो देखो p की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो पी ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर -1 एंड +1। तो फाइनल क्या मिल जाएगा हमें, पी ऑफ 1 इक्वल टू ये मिल जाएगा हमें 1 का स्क्वायर 1 -1 एंड +1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, एंड ये +1 है तो इक्वल टू फाइनल क्या मिल जाएगा हमें, 1 ही मिल जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो पी ऑफ 1 इक्वल टू ये मिल गया। चलो पी ऑफ 1 भी निकाल लिया, अब हमसे पूछा जा रहा है पी ऑफ 2 भी बताएं, ठीक है। तो चलो पी ऑफ 2 भी देख लेते हैं इसका।
इसके लिए मैं यहीं पे इक्वेशन लिख लेता हूँ। पी ऑफ वाई क्या लिखा हुआ है, ये पी ऑफ वाई है वाई स्क्वायर माइनस वाई एंड प्लस वन। तो पी ऑफ वाई है तो पी ऑफ वाई, वाई की जगह क्या रख देना है हमें, सॉरी टू निकालना है ना, तो इस बार वाई की जगह टू रखेंगे, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू एंड प्लस वन। तो पी ऑफ टू इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर माइनस टू एंड प्लस वन, चार में से दो जाएगा दो एंड प्लस वन, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा थ्री। तो पी ऑफ टू इक्वल टू आ गया थ्री। ऐसे ही देखो इस इक्वेशन के लिए तुम्हें तीन वैल्यू निकालने पड़े ना, तीन बार। हमने पी ऑफ जीरो निकाला, पी ऑफ वन निकाला है एंड फिर पी ऑफ टू निकाला। ये ऐसे ही तुम्हें सबके लिए करना है, इसके लिए भी पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू निकालने हैं, इसके लिए भी एंड फिर इसके लिए भी। ठीक है, ये वाला देख लूँ मैं, इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर का। अगेन ये फोर है ना, सॉल्यूशन फोर का एक और करके दिखा देता हूँ। फोर में है पहले इसको पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पी ऑफ ज़ीरो चाहिए, तो पी ऑफ एक्स की जगह क्या रख देंगे ज़ीरो, तो पी ऑफ ज़ीरो मिल जाएगा। इक्वल टू ज़ीरो रख रहे हैं तो ज़ीरो माइनस वन एंड यहाँ क्या हो जाएगा ज़ीरो प्लस वन, तो पी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो में से वन जाएगा तो माइनस वन, ब्रैकेट में ही रखते हैं, इंटू ज़ीरो प्लस वन वन, तो माइनस वन मल्टीप्लाई वन, तो क्या आ जाएगा पी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू माइनस प्लस माइनस वन वन जा वन। तो फाइनली हमें मिल गया इस बार पी ऑफ ज़ीरो क्या, माइनस का वन। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पी ऑफ वन चाहिए, तो चलो पी ऑफ एक्स पहले लिख ही लो, इक्वल टू क्या है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये पी ऑफ, अब हमें वन चाहिए तो एक्स की जगह वन रख दो, तो वन माइनस वन हो जाएगा एंड यहाँ वन प्लस वन। अब देखो पी ऑफ वन इक्वल टू वन में से बन जाएगा ज़ीरो एंड ज़ीरो से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा ज़ीरो ही आ जाएगा, तो फाइनल वैल्यू जो आ गई इसकी वो ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो ये पी ऑफ वन आ गया ज़ीरो। अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ टू, तो चलो पी ऑफ टू यहीं पे लिख लो अगेन एक बार, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो टू निकालना है तो पी ऑफ टू पुट करेंगे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा देखो टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, तो फाइनल क्या मिल जाएगा हमें पी ऑफ टू इक्वल टू टू में से वन जाएगा तो वन एंड टू प्लस थ्री, तो थ्री बन जा थ्री, डेट्स इट। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, थर्ड थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा उनके सामने इनके पास में जो लिखा हुआ है वैल्यूज एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, ये इस पॉलीनोमियल्स के जीरोज हैं या नहीं है, इसको ही हमें वेरीफाई करना है। तो देखो हम पढ़ चुके थे कि जीरोज क्या होता था, एक बार अगेन, जैसे एक्स माइनस थ्री है इसका हमें जीरोज निकालना है, तो जीरोज तभी होगा इस पॉलीनोमियल का, यानी कि वेरिएबल की वो कौन से वैल्यू जो हम इसमें पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए ज़ीरो। मैं कहता हूँ कि इसकी जो जीरोज है ना वो मान लो कि टू है, मैं कह रहा हूँ हमें ऐसा लग रहा है कि इसके जो जीरोज होंगे वो टू होंगे, तो एक्स की जगह टू रखेंगे माइनस थ्री करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन, तो नहीं ये जीरोज नहीं है, हमें जो लग रहा था कि टू है जीरोज ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ज़ीरो नहीं आया, यानी कि वेरिएबल की कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे उस जिस जिस जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे उस पर जीरो आ जाएगा, तो कहेंगे जीरोज है अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिस वैल्यू को हमें चेक करना है उसको उसमें पुट कर दो, और अगर जीरो आ गया तो जीरोज होगा अदरवाइज नहीं होगा। तो बस यहाँ पे वही चीज़ करते हैं, देखो एक्स की जगह रखा है माइनस वन अपॉन थ्री, तो रख देते हैं पी ऑफ एक्स की जगह रख दो माइनस वन अपॉन थ्री, जहाँ जहाँ एक्स है उसको रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे थ्री मिल जाएगा इंटू एक्स की जगह वन अपॉन थ्री, वो भी माइनस का एंड प्लस वन है तो प्लस का वन हो गया ये। अब देखो थ्री से थ्री क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो पी ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन एंड प्लस वन, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या आ गया पी ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो हमने एक्स की जगह माइनस वन अपॉन थ्री रखा इस वाले पॉलीनोमियल में, तो क्या आ गया ज़ीरो आ गया, तो फाइनल हम कह सकते हैं कि यस एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज़ अ जीरोज
जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर है? ऐसे ही हमें इसका भी चेक करना है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो x की जगह कह रहा है 4 अपॉन 5 रखने के लिए, तो रख देते हैं p ऑफ x। अच्छा, x की जगह 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 रख दो, इक्वल टू। अब ये 5 है तो 5 x की जगह रख दो 4 अपॉन 5, ब्रैकेट माइनस पाई है तो पाई, चाहो तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, पर देख लेते हैं आगे। 4 अपॉन 5 इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, तो 4 माइनस पाई। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू अगर हम 22 अपॉन 7 भी रखेंगे फिर भी जीरो नहीं आने वाला है। तो सिंपल है, इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सो एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, ये डैश डैश में आप लिख लेना। सेम थिंग यहाँ पे भी देख लेते हैं जल्दी से, एक मैं चेक करके बता देता हूँ, माइनस वन वाला मैं बता देता हूँ, वन वाला खुद कर लेना। ये दोनों पे चेक करने हैं, पहले वन पे एंड फिर माइनस वन पे, लेकिन मैं माइनस वन वाला पहले कर देता हूँ, वन वाला तुम लोग खुद कर लेना। तो माइनस वन का स्क्वायर एंड माइनस वन, तो फाइनल पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन, यानी पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो बताओ जीरो आ गया तो ये जीरोज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, है ना कबीर? तो हम लिख देंगे यस, एक्स इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस वाले पोलिनोमियल का। नेक्स्ट ये है, इस वाले का भी मैं एक पार्ट पर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं माइनस वन वाला ही कर देता हूँ। चलो, तो पी ऑफ माइनस वन रखेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन एंड प्लस वन, फिर माइनस वन एंड माइनस टू। अब देखो पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। फिर हम लिख देंगे यस, एक्स इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, ऑफ दिस पोलिनोमियल। चलो ये वाला तो बहुत ईजी है, ये तुम खुद कर लेना। एंड नेक्स्ट पी ऑफ एक्स है, तो इस वाले में कह रहा है एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एन है, तो ये कर लेते हैं पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस एम एंड अपॉन एल, इक्वल टू एल है तो एल, एक्स की जगह हम पुट कर रहे हैं माइनस एम अपॉन एल, तो माइनस एम अपॉन एल, एंड प्लस एम है तो प्लस का एम। ये तो इंडिकेटेड वैल्यू है, तो इसको हमें आगे की तरफ नहीं लिखना अपना। अब देखो पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू एल से एल कैंसिल, तो माइनस एम अप प्लस क्या गया, एम। अब जो सेम चीज़ें हों एक प्लस में एक माइनस में, तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल। तो फाइनल क्या आ गया यहाँ पे, पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इसकी भी वैल्यू क्या आ गया, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं यस, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ ज़ीरोज ऑफ दिस इक्वेशन पोलिनोमियल। चलो जल्दी से कॉपी करो। तो चलो अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें x इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री दिया, मैं इस पर ही चेक करके बता देता हूँ। तो p ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, माइनस वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू, थ्री है तो थ्री एक्स का स्क्वायर है, यानी माइनस वन अपॉन रूट थ्री का क्या करना होगा हमें, स्क्वायर हो गया, एंड माइनस का वन है तो माइनस वन। अब देखो फाइनल, तो p ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू क्या आ गया, ये थ्री। एंड अब फाइनल माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, वन का स्क्वायर वन होगा, एंड अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, पढ़ चुके हम लोग रियल नंबर में, तो रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, है ना। यानी रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट नाइन, और अंडर रूट नाइन कितना आता है, थ्री निकल जाता है, इसलिए थ्री हो गया, एंड माइनस वन है तो वन। अब देखो थ्री से थ्री कैंसिल, तो फाइनल क्या आ गया, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। जब जीरो आ गया तो कह देंगे यस, माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज अ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। यहाँ पे देख लेते हैं, तो पी ऑफ हाफ पे चेक करना है हमें, तो रख देते हैं टू इंटू हाफ एंड प्लस हाफ, तो ये टू से टू कैंसिल, वन प्लस वन आ गया, डेट इज इक्वल टू टू। अब ये टू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, देखो इक्वल को हमने काट दिया, टू नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, और सॉरी इट इज़ नॉट अ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। कौन सा, एक्स इक्वल टू हाफ। चलो अब यहाँ देखते हैं,
इन सारी क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है इन सब के लिए। तो बता चुका हूँ कि जीरो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर जीरो पी ऑफ एक्स को हम इक्वल कर देंगे किसके, जीरो के। कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में भी और पिछली क्लास में। तो पी ऑफ एक्स, अब देखो पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, एक्स प्लस फाइव, तो पी ऑफ एक्स की जगह रख दो एक्स प्लस फाइव, इक्वल है इक्वल जीरो। यहाँ से एक्स निकाल लो तो एक्स इक्वल टू जीरो माइनस फाइव, यानी कि क्या आ गया, माइनस फाइव। तो ये हो गया हमारा जीरो इस पॉलीनोमियल का, चेक करके देख लो, माइनस फाइव को इसमें रखो जीरो आ रहा होगा। चलो अब ये करते हैं, इसका भी वही करेंगे, पी ऑफ एक्स को हम इक्वल कर देंगे किससे, जीरो से, ठीक है। ये चीज़ लिख के करना है, फॉर जीरो इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस फाइव है, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव। ऐसे ये भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो फॉर जीरो क्या कर लेंगे, फॉर जीरो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, टू एक्स प्लस फाइव है, तो पी ऑफ एक्स की जगह रख दिया ये, इक्वल टू जीरो है तो जीरो। अब इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइव को इधर भेजोगे तो जीरो माइनस फाइव हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फाइव अपॉन टू, क्योंकि ये फिर टू डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब ये देख लेते हैं, ये भी तो वैसे ही कर लेना, ये देख लो फाइनली ये चीज़ें सी एक्स प्लस डी वाला, तो सी एक्स प्लस डी का मैं यहाँ कर देता हूँ, ये पी ऑफ एक्स दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, यानी कि हमें पोलिनोमियल निकालना है, जीरोज निकालना है, तो पी ऑफ एक्स को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल। तो बस पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो पहले इस कॉन्स्टेंट को इधर भेज दो, तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी, हो गया आंसर। बाकी की जो बचे हुए क्वेश्चंस है ये तुम लोग खुद कर लेना, चलो जल्दी से कॉपी कर लो इनको।